नमस्ते एंड वेलकम। शुड द राइट टू लिबर्टी नॉट बी इक्वानिमस? शुड द राइट टू इक्वालिटी नॉट बी इक्वानिमस? बी द सेम फॉर ऑल? कैन पर्सनल लॉ सुपरसीड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ नेशन दैट इज भारत, अ डेमोक्रेसी दैट इज भारत, दैट इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? दीज आर क्वेश्चंस दैट रिमेन इवन एज देर आर डिमांड्स एंड देयर हैव बीन मल्टीपल डिमांड्स फॉर अ कॉमन सिविल कोड, एस्पेशली अराउंड पर्सनल natures, contracts, laws which somehow delve into the civil issues or the personal issues. But we are not talking common code today. What we are talking is one aspect, that is divorce. Can a man or an individual have the right to let go of his partner at his own personal whim? Can he do it by just sending somebody an email thrice in 90 days? Can he do it just by saying, I don't want to live with you, so I'm going to let you go, and I don't care what you want to say? Can there be laws that will say that even if a woman wants separation, the final decision rests on the man? Is that equal, or is that violative of the very fundamental rights that our constitution and its fundamental governing principles accord to every citizen of the country? So that's the assertion of rights that we'll talk about. And the larger question is, should extrajudicial talaq or extrajudicial divorce be done away with altogether? So we've got students. Where are you all from? Bhimrao Ambedkar College. Usme kya bol rahe ho yaar, haske bolo ab, aren't you happy? You are, right? So big round of applause to you all. Thank you very much. देखिए, मामला संजीदगी से हम बात करेंगे उस पर, उसका ये मतलब नहीं कि चेहरे पे मुस्कान नहीं हो सकती, एंड वी कैन डू इट इन अ नाइस वे। जॉइनिंग अस दिस इन दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट, आई हैव रितु कपूर, देन आर्शिया इस्माइल एंड नाउ रितु कपूर, हु फॉट हर वे थ्रू इंस्टेंट तीन तलाक, राइट? सो वी विल गेट योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई एम श्योर यू व्हाइल यू फॉट दिस केस अंडरस्टूड द वेरियस डायनामिक्स एज फार एज दीज प्रिंसिपल्स। आई हैव बेनजीर हिना. Benazir Hina is a petitioner in this entire matter. She's moved court along with another Benazir. There are two Benazirs who have gone on this case, isn't it, Benazir ji? So, aap se bhi puchenge. And Shiba Aslam Fahmi is Muslim scholar and IMPAR member. And today, ladies, you take center stage. But I have a good friend of mine, jinko maine pagad liya, matlab aaiye aap baithiye. Ye bhi is case mein kafi uljhe hue hain in the past, as far as common code is concerned. So, Ashwini ji, thank you very much for doing this. Thank you. तो बेनजीर जी, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं, व्हाट इज योर पिटिशन और आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? व्हाई? मैं कोर्ट तो इसलिए गई क्योंकि मैं खुद तलाके हसन की सर्वाइवर हूं, और जिस तरीके से मुझे तलाक दिया गया, यही रीजन है जो मैंने कोर्ट को मूव किया कि यूनिलेटरल एक आदमी है, एक ऊपर खुदा है, एक नीचे खुदा है, बस उस खुदाई के खिलाफ जो नीचे आदमी है, मैं उस खुदाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को मैंने मूव किया है कि जिस तरीके से यूनिलेटरल तरीके से मुझे तलाक मिला है उसको मैंने चैलेंज किया है. और इसके अलावा जितने भी यूनिफॉर्म ऑफ डिवोर्स एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ इंडिया में चल रहे हैं, उनको मैंने चैलेंज किया है कि वो बैन होने चाहिए, क्योंकि मैं खुद सर्वाइवर हूँ, मैं वो पेन, वो दर्द खुद सर्वाइव कर रही हूँ. किस तरीके से मुझ पर वन साइडेड एलिगेशंस मेरे हस्बैंड की तरफ से लगाए गए हैं, जिसके लिए मेरे को कोई स्पेस नहीं दिया गया, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं है कि ये जो एलिगेशंस हैं वो कहाँ जाके मैं प्रूफ करूँ कि ये गलत है या सही है. जो मेरे हस्बैंड वन साइडेड तलाक में तीनों नोटिसेज में बोल रहे हैं, पूरी सोसाइटी में मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं है. तो आपकी बात नहीं सुनी गई. तो आपको किस तरह से तलाक दिया गया? क्योंकि तीन तलाक तो अब बैंड है, तो इंस्टेंट तीन तलाक यानी तलाक बिद्दत तो बैंड है. तो आपने तलाक हसन की बात की, जरा समझाएं हमें ये है क्या, एंड देन शिबा जी यू कैन वे इन आफ्टर दैट. जी, तलाक हसन जो मुझे बाय स्पीड पोस्ट मेरे हस्बैंड के एडवोकेट के थ्रू मिला, नॉट माय हस्बैंड, मेरे एडवोकेट के, मेरे हस्बैंड के एडवोकेट के थ्रू मुझे स्पीड पोस्ट से तीन लेटर, मंथली तीन लेटर, पहला 19 अप्रैल 2022, सेकेंड मुझे मई
20th 2022 and third one 23rd June 2022 by mail mila. दो तो मुझे speed post and third one मुझे by mail मिला मेरे husband के advocate के through. जिस ये तलाकनामा जो है अभी मेरे पास है, ये पूरे तलाकनामे में कहीं पे भी मेरे हस्बैंड का सिग्नेचर नहीं है. ये 12 से 15 पेजेस के ये तलाकनामे हैं तीनों. इस पे कहीं पे भी सिंगल सिग्नेचर मेरे हस्बैंड के नहीं है. एट प्रेजेंट मेरे इन लॉज की इसमें कोई विटनेस नहीं है इन लॉज की तरफ से. इस तलाकनामे में जो आप लेटर हेड देख लेंगे मेरे हस्बैंड का नहीं है. मेरे हस्बैंड ऑलरेडी दिल्ली में एडवोकेट है. मेरे हस्बैंड कोई लीगल अथॉरिटी से नहीं है, ना तो शरीयत की कोई लीगल अथॉरिटी है, ना मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लीगल अथॉरिटी है. सिंपल ये पेजेस पन्ना, एक जीएम अख्तर एडवोकेट है, वो मुझे प्रोनाउंस कर रहा है और वो बोल रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अपने क्लाइंट का, मेरे हस्बैंड का नाम ले रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ यूसुफ नगी आई प्रोनाउंस यू फर्स्ट तलाक ऑफ थ्री प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक ए हसन. बताइए, मेरे पति ने मुझे तलाक नहीं दे रहे हैं. यहाँ पे कोई हम दोनों के बीच तीसरा शख्स आकर मुझे तलाक दे रहा है, जो बाय द सोसाइटी माय हस्बैंड जो मुझको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारा तलाक हो गया, कोई बात नहीं, तीसरा भी दे रहा है तो चलेगा. ये तुम्हारा तलाक हो गया. जब मेरा निकाह हुआ तो मेरे लॉस भी थे, मेरे पेरेंट्स भी थे, दोनों की फैमिली थी, हम दोनों आमने सामने थे. हम दोनों को निकाह नामा पे हम दोनों ने सिग्नेचर किए थे, आमने सामने बैठकर एक दूसरे को कबूल किया था. लेकिन इस तलाक नामे में मेरी तो कोई प्रेजेंस है ही नहीं. मुझसे नहीं पूछना कि मैं क्या चाहती हूँ. इस बीच हमारा 1 ईयर का बेबी है अली, उसके बारे में भी कोई जिक्र इन तलाक में नहीं है कि उस बच्चे का क्या होगा. तो ये वन साइडेड एलिगेशन कोई जीएम गुलाम मोहम्मद अख्तर करके एडवोकेट हैं, वो वन साइडेड ऑन द बिहाफ ऑफ यूसुफ नकी मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं. अच्छा, तो एक, एक, एक मैं आपसे